हमारी सुपर डुपर हल्दी व्लॉग तो देख ही लिए हो, नहीं देखे हो तो जाओ देखो। फन हल्दी के बाद मैं तो नहाने आई और नहाने के बाद अभी वेडिंग व्लॉग होता है शुरू। वो रूम इतना खिचपिच हो गया था तो मैं मम्मी के रूम में आई। लाना वाना है मेकअप, अब गेट रेडी विथ मी फॉर माई वेडिंग। आज मेरा लास्ट वेडिंग फंक्शन है, मैं अभी नहा के आई हल्दी के बाद। मेकअप के साथ साथ बाल ड्राई करने का भी जिम्मेदारी। आई लव यू। तो फूल आ गया, बड़वाला आ गया, पता नहीं गिफ्ट देने के लिए भाग जा रहे थे। ओ तो सारी पसंद आ गया। बंगाली मॉम इज ऑलवेज मॉम। यहाँ पे मेकअप चल रही है और मॉम को बनानी है कॉफी, देखो। और ये मेकअप आर्टिस्ट हमारी खड़ी है भाई। रेडी तो हो रही थी लेकिन अब बारी है शाखा वाला पहनने का। तो श्रोतोश्री की मम्मी के हाथों से मेरे को पहनना था। हर बंगाली लड़की का ये तो सपना है शाखा वाला कब पहनेंगे शादी के टाइम। ओ गॉड, फाइनली इट्स हैपेंड। और मैं श्रोतोश्री से ये मांगी थी कि शादी का जो आलता होता है ना बंगाली में पहनाते हैं, तो आलता मैं श्रोतोश्री के हाथों से ही पहनूंगी। तो उसने पहनाया। रेडी तो हो रही थी पर इतना ज़्यादा मस्ती किए हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। लास्ट में हड़बड़ी हो ही गई, लड़के वाले तो रेडी नहीं हो रहे थे और हमारा लग्न जो था वो 6 बजे से था, ऑलरेडी 7 बज गई थी। बहुत ही नर्वसनेस के साथ भी मैं हो गई रेडी। चलो शुरू करते हैं वेडिंग सिनेमैटिक व्लॉग। डेकोरेशन तो देख लिए, चलो बारातियों का जलवा देखते हैं। हमारे में दूल्हा को हमेशा उसके साले लोग रिसीव करने जाते हैं, तो भाई कार में मोनिश को लेने गए थे। मतलब लेने क्या गए थे, रिजॉर्ट से ही बारात निकली और रिजॉर्ट में ही नाचते नाचते वो लोग गए और वापस यहीं पे आए। सो बेसिकली होटल रूम के सामने से ये लोग रिजॉर्ट के गेट तक आए, वहाँ पे थोड़ा सा डांस किए और वापस आए। वैसे तो मेरा विंटेज कार हायर करने का मन था पर वो मिला नहीं, तो आखिरी में हम लोग ये मर्सिडीज बुक किए थे। और जब तक बारात नाच रहे थे तब हो रही थी मेरी एंट्री। सो लेट्स वॉच माई एंट्री।
जाकर सीट पे बैठ गई तब हुआ जामाई बोरुन, मतलब मेरी मम्मी दूल्हे को स्वागत कर रही है बंगाली रिचुअल के साथ। फाइनली बर चले उलू तेरे। हम लोग बहुत दूर से एक दूसरे को देखे एंड फाइनली मोनिश बैठा शादी में। पहले पार्ट के शादी के बाद लड़की वालों की तरफ से जो वस्त्र एंड जो पहनने के लिए देता है वो चेंज करना पड़ता है, तो मोनिश सारा जो पहन के आया था वो चेंज करके बंगाली दूल्हा बन गया। Now it's time for Shubhadrishti and Mala Badal, means Varmala. তিন দিন খাই নি ভাই কিছু। কত কিছু ভাই? হ্যাঁ, 1 কেজি তিন দিনে কমিয়ে দিয়েছি। একটু ঘাসে এদিকে টেনে নাও। তো কান্না পাচ্ছে। কেন কান্দবি? কান্দবি না, কান্দছে। বাবা। হ্যাঁ, চিলিং মেরে দিলাম আপনাকে। হয়ে গেছে? চেষ্টা জলদি। वेडिंग में जो सात फेरे होते हैं ना वो कुछ ऐसे होते हैं लाइक दूल्हा खड़ा है और दुल्हन चारों तरफ घूमता है वो भी सात बार और थोड़ा करके फूल देता है। বর্ষা বর্ষা ওর ভেতর দিয়ে ঢোকাও। হ্যাঁ
शुभ दृष्टि एंड बरवारा के बाद हम लोग बैठेंगे छादना तौला के अंदर, मतलब जहाँ पे एक्चुअली नारायण शिला को साक्षी मान के हम लोग शादी करेंगे। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था शादी करने में और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी। और यहाँ पे ना भाई मोनिश का हाथ धो दे रहा है। ये रिचुअल जो है ये दुल्हन की भाई अपने जीजा जी के लिए करते हैं और इसमें ना सब कोई पैसा मांगते हैं, तो भाई ने बस 11 रुपए मांगा, फिर भी उसे उसको ज्यादा ही मिला। एंड अभी है वो पल जिसके लिए आई थिंक हर इंडियन लड़की वेट कर रही है, सिंदूरदान। बहुत शादियां देखी हूँ मैं, पर ये वाला रिचुअल मुझे अब पता चला। इस रिचुअल में जेठ हमेशा घूंघट उठाएगा और दुल्हन को घूंघट डालनी है, मतलब ये सिखाया जाता है कि जेठ और ससुर के सामने हमेशा घूंघट डाल के रखो एज पर पुराने रिचुअल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बंगाली वेडिंग 14 पाक, जैसे कि मैं बोली हमारे में 7 फेरा नहीं होता है, 14 फेरा होता है। तो यहाँ पे बीच में होता है पुकुर और आजू बाजू रहता है 14 पान एंड उसमें लगा रहता है सिंदूर। तो हम लोगों को एक फेरा लेना है, मतलब एक प्रॉमिस, एंड वो पान उठाना है, वहाँ से सिंदूर लेके दुल्हन के मांग में भरना है। एंड हम लोग ना हर फेरे ले रहे थे और हम एक दूसरे के साथ अलग अलग प्रॉमिस दे रहे थे। सुनने में लग रहा है 14 बार घूमना है, पर हमें समझ नहीं आया कब इतने टाइम बीत गया। मोनिश वाज लाइक के हो गया फेरे खत्म, और घूम रहा है, और अच्छा लग रहा था। 2 अलग स्टेट में अलग कल्चर में होने के बाद भी साथ में सक्सेसफुली शादी करना, ये एक अलग ही मिशन कंप्लीट फील हो रही थी हमें। Oh,
सर्वमंगल मंगलेश्वे सर्वाप्रसादे शरण्ये कम्बके वीडियो गेम से रियल लाइफ फ्रेंड रियल लाइफ लवर एंड नाउ वी आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड इट विल बी। अब हम लोग बड़ों का आशीर्वाद लिए और हमारा शादी हुआ कंप्लीट। Thanks to our family to support our love and thanks to my every bridesmaids. Oh God, you guys are awesome. I love you. Itni sundar wedding function sabke pyar ke bina ho hi nahi sakta tha. Shaadi ke sare rituals and functions ke baad finally hum log khane baithe and shuru hua phir DJ night guys. इतना ज्यादा मस्ती कर रहे थे बट सडनली मेरा मूड 180 टर्न हो गया एंड आई वाज क्राइंग लाइक अ हेल। मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी विदाई है। सब खत्म होने के बाद जब हम लोग होटल रूम में आए तब मेरे फ्रेंड्स दरवाजा पकड़ लिए और जूता नहीं दे रहे थे और घर में भी नहीं घुसने दे रहे थे। तो और क्या, ये लोगों का हुआ एकदम सीरियस वाली बहस। बट मोनिस तो है अच्छा जीजा, फाइनली उनको उनका पैसा मिल गया और यही पे होता है शादी का व्लॉग खत्म। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड विश अस अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।